जीके 24 से जुड़ चुके हैं यहाँ पर, मैं हूँ आपके साथ शिल्पा शर्मा। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं जहाँ पर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है, भाजपा के खिलाफ ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। साफ तौर पर आप तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर AICC इंचार्ज भारत सिंह सोलंकिया भी इस समय प्रदर्शन में मौजूद है और विकास सुलवानी भी प्रदर्शन में मौजूद है, रमन भल्ला भी प्रदर्शन में मौजूद है। साफ तौर पर तस्वीरें आप देख सकते हैं जहाँ पर भाजपा के खिलाफ जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरें जम्मू से आप देख रहे हैं, जम्मू के शहीदी चौक से तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी इस समय प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है, भाजपा के खिलाफ भी प्रदर्शन किया जा रहा है, हाथों में बैनर लिए। ये तस्वीरें आप देखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी इस समय भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतरी है, हर जिला में दिग्गज नेता इस समय प्रदर्शन करते हुए भाजपा के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। क्या कुछ मुद्दा है, बातचीत करने की भी छोटी सी कोशिश करेंगे। तानाशाह सरकार, तानाशाह सरकार, मोदी सरकार, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही, मोदी तेरी तानाशाही, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मोदी तेरी बस सरकार तानाशाह, सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है, दो सरकार तानाशाह, सरकार बदलनी है, जो सरकार तानाशाह, सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मोदी तानाशाह, मोदी तानाशाह, मोदी तानाशाह। जी सर, यार माइक हल करो जी सर, और देंगे बाकियों को बाद में देंगे, थोड़ा आगे। नहीं नहीं यार क्या कर लगे, 2014 पार्लियामेंट का चुनाव यार और भारतीय जनता पार्टी उसके प्रधानमंत्री उनके नेता सब समझ गए हैं कि देश की जनता उनको हरा देगी, भारतीय जनता पार्टी का शासन समाप्त होने जा रहा है, इसलिए ये चुनाव को अलग चुनाव ये चुनाव को ले जाके जो कांग्रेस पार्टी पर 3600 करोड़ रुपए का नोटिस दिया है, इलीगल नोटिस दिया है, परेशान करने के लिए नोटिस दिया है, ये डेमोक्रेसी को खत्म करने का, संविधान को खत्म करने के लिए नोटिस जो दिया है, और देश की जनता जान चुकी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त हो जाएगी, हार जाएगी, और उसी लिए हथकंडे अपना के इनकम टैक्स के द्वारा कांग्रेस पार्टी जो करना जा रही है उसके अलायंस जो इंडिया के हैं
वो जीतने आ जा रही है, इसलिए उन्होंने झारखंड के सोरेन जी को जेल में डाल दिया, उसने दिल्ली के केजरीवाल एबी उन आम आदमी पार्टी के नेता चीफ मिनिस्टर को डाल दिया और हर प्रकार के हथकंडे करके और कांग्रेस पार्टी को भी उसके अकाउंट सीज कर दिए, जिससे उनका वर्कर कोई काम न कर सके, कोई ट्रैवल नहीं कर सके, किसी को मिल नहीं सके, कहीं जा न सके, वो रोक टोक करके कुछ भी करके चुनाव को गुमराह करके खुद जीतना भारतीय जनता पार्टी चाहती है। पर मुझे लगता है कि देश की जनता आज जिस तरह से सब में ये आक्रोश है, ये क्यों कर रहे हैं? अगर यही नोटिस दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को तो अरबों खरबों रुपये का उन्होंने गुनाह किया है, गलत काम किया है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में भी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, वो गलत काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और उसका जवाब ये आने वाले चुनाव में ये देश की जनता पार्लियामेंट के चुनाव में देगी, और जम्मू कश्मीर की जनता भी इन लोगों को जनता के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को जवाब मिलेगा। ये साफ तौर पर आपने तस्वीरें देखी जहां पर कांग्रेस पार्टी जो है, ये साफ तौर पर आपने तस्वीरें देखी जहां पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो है आज प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि जिस तरीके से भाजपा के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन किया गया, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहा है कि यहां पर जो है वो नारे भी लगाए गए, इसको लेकर आपके क्या कुछ विचार है? कमेंट सेक्शन पर विचार प्रकट जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन शमी थापा के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू।